आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पर लाइक कीजिए। तबरेज अंसारी को लेकर के अब सियासत और देश का मूड पूरी तरह से गर्म हो चुका है, क्योंकि अब संसद से लेकर के सड़क तक तबरेज अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई सड़कों पर उतर चुका है। और संसद में जो लोग तबरेज अंसारी के लिए आवाज उठा रहे हैं वो वाकई देखने वाली बात पार्लियामेंट में नजर आ रही है, पर ना पार्लियामेंट में न सड़क पर और ना ही टीवी चैनलों के डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर बोलना चाह रहे हैं और ना ही इसके ऊपर किसी तरीके का स्टेप लेना चाह रहे हैं। लगातार 3 दिन और 3 बड़ी घटनाएं हम लोगों के सामने आई। पहले दिल्ली से जय श्री राम न बोलने पर मौलाना मोमीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और दूसरा झारखंड से मामला आया तबरेज का, जहां तबरेज ने मौके पर दम तोड़ दिया। तो वही तीसरा मामला हम लोगों के सामने बंगाल से मौलाना शाहरुख का सामने आया, जिसको लेकर के हर किसी को बात करनी चाहिए पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि खुशबू, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तबरेज अंसारी, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, वो तबरेज अंसारी आखिरकार हैं कौन? क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर तबरेज अंसारी को लेकर के हर अपडेट से जुड़ी हुई हैं। तो पहले यही कि तबरेज अंसारी कौन है? इकबाल अख्तर ने मुमीन अंसारी हैं, जो कि उनके दोस्त हैं, जो कि पूना में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि कौन है असल में तबरेज अंसारी। ये पूरी एक मैंने तैयार किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तबरेज अंसारी और सोनू को मैं 4 साल से ज्यादा से जानता हूँ। पुणे में हम लोग एक साथ बिल्डिंग में रहते थे, बहुत मिलनसार लड़का था, यहाँ मोहल्ले में सबके साथ घुल मिल कर रहता था, सभी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुणे में एक भी चोरी का इल्जाम सोनू पर कभी नहीं लगा। यहाँ पुणे में सोनू का मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग दोस्त थे, उसके खिलाफ कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। तबरेज अंसारी और सोनू एक यतीम लड़का था, इसकी माँ और पिता का पहले ही इंतकाल हो चुका था। सोनू के वालिद साहब ने एक हिंदू लड़की से उसकी शादी कराई थी, जिससे उसे 2 बच्चे हुए, और सोनू की बहन ही इस दुनिया में एक दूसरे के रिश्तेदार बचे थे। सोनू के वालिद साहब को आज से 14 से 15 साल पहले कोलकाता से आने के क्रम में जमशेदपुर के आसपास रात में बहुसंख्यक समाज ने भीड़ के रूप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। कुछ ही महीनों बाद तबरेज अंसारी और सोनू ने उस हिंदू लड़की से शादी की थी, करवाई गई थी। कितने दुख की बात यह है कि कितने अच्छे मित्र, भले निर्दोष इंसान को बहुसंख्यक समाज ने भीड़ के रूप में पीट पीट कर हत्या कर दी। अब अगर हम बात करते हैं तो दरअसल बात यह है कि तबरेज अंसारी एक सराय कालेखा खासगांव जिले के कदम डीहा गांव का रहने वाला था। कहीं काम से वह टाटा जमशेदपुर जाने वाले रास्ते से रात को जा रहा था। जैसे ही वह बहुसंख्यक समाज वाली तेली महंती मंडल बहुल गांव में थटकड़ी में पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और नाम पूछा। तबरेज अंसारी और सोनू ने अपना नाम बताया। इन लोगों ने उसको पकड़ लिया और खंभे से बांध दिया। देखते ही देखते एक नफरती भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी, और जब पूछा गया तो गांव वालों ने कहा है कि चोरी की है। देखते ही देखते सभी लाठी डंडे पारंपरिक हथियारों के साथ उसे मारने लगे।
अब और भी अगर हम बात करते हैं नदीम, और भी दिल दहलाने वाली बात ये है कि जब पुलिस को फोन किया गया कि ऐसा हुआ है, तो पुलिस ने उसे अस्पताल नहीं ले जाया और भीड़ लगातार उसे जय श्री राम के नारे बुलवाने की कोशिश कर रही थी, और वो जब नहीं बोल रहा था तो बराबर हर कोई उस पर हाथ साफ कर रहा था। उसके बाद सबसे जो घिनौना अगर हम किसी की भूमिका देख रहे हैं तो पुलिस की भूमिका ये है कि पुलिस को जब ये खबर मिली तो पुलिस के आने के बाद भी वो पिटता रहा। बहुत अफसोस की बात है, मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के सामने भी लोग उसे ऐसे ही पीटते रहे। तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी ये थी कि वो उसे अस्पताल ले जाते, लेकिन नहीं, पुलिस उसे पुलिस थाने में ले जाकर बंद कर दिया और 4 दिन बाद तबरेज उर्फ सोनू का इंतकाल हो गया। सोशल मीडिया पर अभी लगातार एक चीज जो पूरी तरह से वायरल हो रही है वो है लुकमान अंसारी और सदर अंसारी का फोन नंबर, जो कि उसके रूममेट थे, उसके दोस्त थे, उसके साथ रहते थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन फोन नंबर्स पे बात करके पता करें कि सोनू कौन था, कैसा था, उसका अखलाक कैसा था। और ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद यही चीज समझ में आती है कि ये जो हत्यारी भीड़ है, जो हिंदुत्व टेरर है नदी, वो इतना ज्यादा बेखौफ हो गया है कि वो जय श्री राम के नाम पर पहले दाढ़ी टोपी को निशाना बनाया जाता था, पहले एक पहनावे को निशाना बनाया जाता था, अब सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के पीछे मुसलमान का नाम जोड़ देना ही आपकी वजह है आपको भीड़ के रूप में हत्या कर देने पर। और ये बहुत भयंकर जो समाज का माहौल तैयार किया गया है वो यही है कि हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर किसी भी राह चलते राहगीर को मार दिया जाए। अभी बंगाल से ही कल खबर आ रही है कि मौलाना को जय श्री राम ना जी बोलने पर फेंक दिया गया। उससे फिर अभी ये मोहन गार्डन जो इधर अमन विहार में उस दिन मौलाना रोहिणी सेक्टर 20 में उनके साथ ऐसा किया गया कि उन्होंने उनके मुंह से सिर्फ अल्लाह निकला और उसे जय श्री राम नहीं बोला तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लगातार आप इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उसमें देखिए कि किस तरह के लोग टेरर के रूप में सामने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सोच, उनकी हिंदुत्ववादी जो कट्टरता है उसके ऊपर। उसी के साथ साथ इसमें एक तस्वीर है नदीम पप्पू मंडल की, जो आदमी लगातार, मैं इस पर हाँ भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुद्दे से मुंह चुराते हुए नजर आ रही है, असल में वो मुद्दों से मुंह क्यों चुरा रही है? और हर बार अगर आप तमाम लिंचिंग के केस उठा करके देखें, अखलाक हत्याकांड देखें, तो वहां पर बीजेपी नेता शामिल होते हैं या साफ तौर पर उनके बेटे मिलते हैं। या अगर आप देखें कि तबरेज अंसारी का ही केस, उसमें बीजेपी के नेता मिलते हैं। अगर आसिफा बेटी को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो वहां पर बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आखिरकार ये क्या सिलसिला चल पड़ा है कि हर लिंचिंग में बीजेपी का कनेक्शन कैसे सामने आया है, और इस केस में भी किस तरीके से बीजेपी का कनेक्शन सामने आ रहा है? नदीम एक बात और गौर करने वाली है कि अब तक 18 मॉब लिंचिंग का जो क्या कहते हैं जो शिकार हुए हैं लोग, वो झारखंड से हुए हैं, और झारखंड में बीजेपी की सरकार है, और जितने भी आरोपी हैं उनको सरकार का आरक्षण मिला हुआ है। यहाँ 18 लोगों के नाम है नदीम जो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट है झारखंड में मॉब लिंचिंग के तौर पर मारे जाने वाले, जिसमें 11 मुसलमान हैं। नाम आप मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। मजलूम अंसारी, इम्तियाज खान, शेख हकीम, सिराज खान, मोहम्मद सज्जाद, शेख नईम, गौरव वर्मा, विकास वर्मा, गणेश गुप्ता, रामचंद्र देवी, अलीमुद्दीन अंसारी। अलीमुद्दीन अंसारी 11वां शख्स था जिसे सबसे ज्यादा मोब लिंचिंग का केस हम लोगों के सामने आया था, और उस मॉब लिंचिंग केस में हमने बीजेपी का वो चेहरा भी देखा था जिसमें साफ तौर पर अलीमुद्दीन अंसारी के जो बीजेपी का प्रधान है वहां पर, वो साफ तौर पर इस केस में था। इस केस में उम्र कैद की सजा भी हो जाती है, और उम्र कैद की सजा में ये लोग पैरोल पर बाहर आते हैं, और उससे खौफनाक चेहरा बीजेपी का तब आता है
जब केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं माला पहना करके और मिठाई खिलाते हैं। उसी के साथ साथ अब ये जो 12वां नाम है रमेश मिंज, चिरागुद्दीन, मुमताज अंसारी, बबलू मुशार, वकील खान, प्रकाश लड़का लगड़ा, तबरेज अंसारी, जिसे 17 तारीख को सराय काले खां खारा सवान में भीड़ ने शिकार बना लिया। और उसी में सबसे ज्यादा और खौफनाक बात यह है कि सरकार ने हर आरोपी को खुले तौर पर संरक्षण दे रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला निकल के आ रहा है, वो झारखंड से ही ज्यादा खबरें आ रही हैं। और झारखंड की सरकार पूरी तरह से आंख मूंदे बैठी है और वो चाह रही है कि जितना ज्यादा ये हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैलाया जाएगा, हम क्यों ना कहें हम वो लोग आतंकवादी हैं, हम क्यों ना कहें कि ये हिंदू के रूप में जिस तरह से जो ये मानसिकता जो लगातार सिर्फ और सिर्फ दलित और मुसलमानों को शिकार बना रही है, हम क्यों ना कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आतंकवाद है जो अचानक से हिंदू के वेश में तब्दील होकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहा है। अभी ही कल की खबर है कि दो दलितों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जय श्री राम ना बोलने पर। लेकिन उसी के साथ पप्पू मंडल की अगर हम बात करते हैं तो पप्पू मंडल दलित समाज से बिलोंग करता है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है नदी। अगर आपने उसे चोरी के नाम पर मारा, आपने उसके हाथ पर बांध कर उसे मारा, तो यहाँ पर जय श्री राम की बात कहाँ हुई? पप्पू मंडल अपने आप को एक दलित बता रहा है, लेकिन अगर आप उसका फेसबुक प्रोफाइल देख रहे हैं तो उसकी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी की है। और जब वो मार रहा है, सबसे ज्यादा मारने वाला वही है पप्पू मंडल जिसने तबरेज की हालत इतनी बुरी कर दी। बकायदा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में उसने साफ तौर पर जय श्री राम के नारे लगवा रहा है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम, चोरी करना, तुम्हारा मंडल होना, ये कौन सा हो गया? मतलब कौन से फ्रेम में आप जा रहे हैं? एक मानसिकता जो बीमार हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नाम देखकर आप किसी को भी घेर कर मार दोगे? और बीजेपी ऐसी ऐसी लोगों को संरक्षण दे रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप को साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे देश में लिंचिस्तान नहीं हो रहा है। बहुत ही घिनौना जो पूरा माहौल बना दिया गया है वो बेहद अफसोसनाक है। सरकार जो अपनी आंखें मूंदे बैठी है ताकि उसकी सत्ता अगले 4 साल तक और आगे 5 साल तक जमी रहे, इसीलिए लोगों की हत्या कराकर वो देश को एक संविधान का मजाक उड़ाकर इंसानों का मजाक उड़ाने की जो बात है वो बेहद शर्मनाक है। और हम संविधान की बात को रखते हैं, हम संविधान को ही मानते हैं, इस देश का हर इंसान संविधान को मानता है, और जो नहीं मानता हम उसको नहीं मानते। तमाम मॉब लिंचिंग के केसेस में जो गुलाम नबी आजाद भी ये साफ तौर पर पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि लिंचिस्तान का अड्डा बन चुका है झारखंड, जहां सिर्फ 19 मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं कर दी गई। और इन घटनाओं में जब देखोगे आप कि लोकसभा चुनाव में मोदी हुकूमत के आने के बाद बिहार, झारखंड और दिल्ली से ही ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, अगर रेशो उठा करके देखेंगे तो अगले साल या कुछ महीने में दिल्ली, झारखंड और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के अब राजनीति और सियासत अपनी चरम सीमा पर है और मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पर डराया जा रहा है या उनकी हत्या की जा रही है, क्योंकि इसी आइडियोलॉजी के दम पर झारखंड, बिहार और दिल्ली की सत्ता पाने के लिए मोदी हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिससे वो बिल्कुल भी गुरेज करने वाली नहीं है। तो ऐसे ही फिर किसी मुद्दे के साथ आप लोगों को यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया।